स्टूडेंट्स, हम रेशो एस्टिमेटर स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऐसा मेथड ऑफ एस्टिमेशन है जिसमें हम ऑक्सिलरी वेरिएबल को यूटिलाइज करते हैं। हमने रेशो एस्टिमेटर को अनबायस्ड देखा लार्ज सैंपल साइज के लिए। अब हम उसका मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो एस्टिमेटर्स बायस्ड होते हैं उनके लिए हम मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करते हैं, और जो अनबायस्ड होते हैं उनके लिए वेरियंसेस। मीन स्क्वायर एरर इक्वल होता है वेरियंस प्लस बायस स्क्वायर के। सो अब हम रेशियो एस्टिमेटर का मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द रेशियो एस्टिमेटर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट एंड दीज वर द बेनिफिट्स फ्रॉम द रेशियो एस्टिमेटर। वी कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन टोटल, वी कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन यूजिंग द रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन। अब हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं और इसका मीन स्क्वायर एरर। सो दिस एक्सप्रेशन आर कैप माइनस आर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू स्मॉल वाई बार माइनस आर एक्स बार, ये हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आप अगर इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें और इसका स्क्वायर कर लें, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्क्वायर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए। So expected value of small y bar minus r small x bar square will equal to this. अगर आप इस expression को यानी small y bar minus r small x bar को let कर लें d bar, तो capital d bar would be like this. अगर आप notice करें तो capital d bar zero है यहां पर, that is this part is actually capital y bar over capital x bar into capital x bar, and these two terms will cancel out. This will become the capital y bar, so d bar will be zero. So ultimately agar isko main d keh raha hu to kuch is tarah se main is expression ko likh sakta hu, expected value d bar, ye isko d bar likh raha hu, minus capital d bar square. Capital d bar zero hai, minus zero. So actually अगर इस एक्सप्रेशन को मैं कह लूं तो ये पूरा इस तरह से लिखा जा सकता है, एंड दिस इज वेरियंस ऑफ डी बार, जिसको हम फर्दर सिंपल रैंडम सैंपलिंग से अगर लिखें, जिस तरह हम वेरियंस ऑफ स्मॉल एक्स बार को लिखते थे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो हम उसे कुछ इस तरह से लिखते थे लैम्डा इंटू एस वाई स्क्वायर लिखते थे, इसको एस डी स्क्वायर लिख सकते हैं आप, एंड लैम्डा इज here capital N minus N over capital N N. Just simple random sampling ke rules, uska variance humne padha tha unbiased estimate. So similarly we can write it like this. So students, isi tarah se hum isko process karenge aur hum is expression ko kuch is tarah se likh rahe hain. Jaise maine kaha capital N minus N small n n aa raha hai yahan par, ye term 1 over small x bar aur iske sath s d square. स्टूडेंट्स, जो एस डी स्क्वायर है जो मैंने पहले बताया है आपको, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस डी स्क्वायर, यानी उसके एस्टिमेट की एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे तो पैरामीटर के इक्वल आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं, दैट वुड बी लाइक दिस, आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन वाई आई माइनस आर एक्स आई स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस वन लाइक दिस। सो अल्टीमेटली दैट एक्सप्रेशन विल बिकम दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज द मीन स्क्वायर एरर ऑफ द रेशियो एस्टिमेटर। इसको अगर आप लार्ज सैंपल साइज के लिए जैसे हम यहां पर कंसिडर करें तो इसको हम वेरियंस भी कह सकते हैं अगर एस्टिमेटर अनबायस्ड है तो। सो अगर आपने इसका एस्टिमेट लेना है तो आप इसका एस्टिमेट कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी यहां पर आप सैंपल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लें। स्टूडेंट्स, दिस इज द मीन स्क्वायर एरर ऑफ द रेशियो एस्टिमेटर। इसका ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे यहां पर, इसी को कंसिडर करते हुए, इसी से कंटिन्यू करते हुए। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप यहां पर ब्रैकेट में इतने हिस्से पर कैपिटल वाई बार को माइनस और प्लस कर देंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको मैंने तरतीब दे दी है, यानी ब्रैकेट्स में लिख दिया है अलग अलग करके, एक मरतबा माइनस किया है कैपिटल वाई बार को, एक मरतबा प्लस किया है। जो माइनस किया है वो ये है और जो प्लस किया है वो ये है।
आप जानते हैं कि r x बार इज इक्वल टू कैपिटल y बार, इसको हम देख चुके हैं. r की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज कैपिटल y बार ओवर कैपिटल x बार, सो यू विल गेट कैपिटल y बार. सो अब आप नोटिस करें कि ये दो टर्म्स हैं जिसे हम दो टर्म्स कह रहे हैं स्क्वायर में. इसको जब आप ओपन करेंगे, दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. और उसके बाद जब आप इसको ओपन कर लेंगे और इस पर समीशन अप्लाई करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा. एक एक्सप्रेशन एस एस स्क्वायर वाई, यानी अगर आप देखें इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, दैट इज ए स्क्वायर, तो उस पर समीशन अप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर. और अगर ये एन माइनस वन इसके साथ कंस्ट्रक्ट कर लें, दैट वुड बी एन माइनस वन. सो दिस विल बिकम एस स्क्वायर वाई. सिमिलरली यहां से आप इस एक्सप्रेशन से आर को कॉमन ले लें, कैपिटल आर को कॉमन ले लें, एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स बार, तो इट विल बिकम लाइक दिस. और बी स्क्वायर प्लस हो रहा है ना, आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन, आर स्क्वायर इसके बाहर आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर अगेन कैपिटल एन माइनस वन, दैट विल बिकम एस एक्स स्क्वायर दिस टर्म. और माइनस वाली टर्म जो कोवेरियंस बनेगा उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज टू आर एस वाई एक्स. सो स्टूडेंट्स, ये आप एक और जो वेरियंसिस और कोवेरियंसिस में एक्सप्रेशन है, इसको आप यहां पर इस तरह से भी वेरियंस को ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी गॉट दिस एक्सप्रेशन फॉर द मीन स्क्वायर एरर ऑफ आर कैप. जैसे हम वेरियंसिस और आप देख रहे हैं कि कोवेरियंसिस की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है. अगर आप इससे इस एक्सप्रेशन से जो ये रेशियो एस्टिमेटर का रेशियो के लिए मीन स्क्वायर एरर है, अगर आप इसको रेशियो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन जो है उसका मीन स्क्वायर एरर बनाना चाहें, तो दैट इज इजी टू ऑब्टेन. कैप वन ओवर स्मॉल एक्स बार की टर्म जो है, ये स्क्वायर की टर्म ये रिमूव हो जाएगी. सो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेरियंसिस एंड कोवेरियंसिस फॉर द रेशियो एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन. फॉर द स्टूडेंट्स, आप इसे कोवेरियंसिस यानी मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और इसको इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की फॉर्म में भी देखा जा सकता है. अगर आप जहां पर इस एक्सप्रेशन में ये आर मौजूद हैं, इनको आप रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू से, दैट इज कैपिटल वाई बार ओवर स्मॉल एक्स बार, और इसको रिप्लेस करने के बाद आप पूरे एक्सप्रेशन में से कैपिटल पूरे एक्सप्रेशन में से कैपिटल वाई बार स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा. जो सी वाई स्क्वायर है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई, दैट इज एस वाई स्क्वायर ओवर कैपिटल वाई बार स्क्वायर. सी एक्स स्क्वायर भी इसी तरह, एस एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एक्स बार स्क्वायर. सो वी कैन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इन टू द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो आफ्टर गेटिंग द मीन स्क्वायर एरर्स, वी कैन कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द आर कैप, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वाई बार आर. उनके मीन स्क्वायर एरर्स को, रिस्पेक्टिव मीन स्क्वायर एरर्स को यूटिलाइज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल को बनाया जा सकता है.